हमारा अपना बेड है 80-85 बेड है, और इधर गांव में किसका 400 बेड है, किसका 500 है, किसका 200 है, ये सारा 12 महीने में ये मेहनत करना है, ये बेड पे चराना है, और ये ईद उल अज़हा में फिर बेचना है। बेड में मिसाल अपना बच्चों का गुड़ भी लाते हैं, चाय पानी भी लाते हैं, इलाज भी करवाते हैं। हमारा इलाके में सारे ये ज़िम्मेदारा है और ये काम है। बच्चे भी इस पे लगे हैं, बंदा भी इस पे लगे हैं। यहाँ मूसा खैर में सबसे बड़ी जो मंडी लगती है, जो गंज हम कहें उसको लोकल जबान में, करकना में लगती है, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल में सिर्फ जानवर का मालदानों का 2.5 से 3 करोड़ का एक दिन में, ये हफ्ते में एक दिन लगती है बुध वाले दिन, तो तकरीबन 2 से आप कम अज़ कम 2 ले लें, वरना 2 करोड़ से ऊपर सेल होती है। पंजाब जाता है, फ्रंटियर जाता है, केपीकी की तरफ जाता है, सिंध की तरफ, लोग बाहर बाहर से दूर से ये लोग आते हैं। साखेल फार्म के नाम से एक पेज चला रहा हूँ 2019 से, जिस पे हम ताज़ा और हेल्थी जानवरों का वीडियो लेते हैं और फोटो लेते हैं और हम फार्म पे अपलोड करते हैं, और कीमत के साथ हम बताते हैं। जब किसी कस्टमर को इसमें इंटरेस्ट हो तो वो हमसे रब्ता करते हैं, और हमने इसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बनाया है, और डिजिटल मार्केटिंग के हुनर की वजह से हम लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट हैशटैग उसके साथ लगाते हैं, जिससे ज़्यादा व्यूअर और कस्टमर आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक पेज का ये फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट कस्टमर और उस मालिक का लेन देन एकदम मिलाते हैं, जो मुनासिब रेट पर कस्टमर वहाँ ही से ताज़ा माल ले लेते हैं, और इसमें दलाल का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी मार्केट एट डोर स्टेप पर हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारा 200 दुम्बा है और 30 बकरियां हैं, और माशाल्लाह ठीक बारिशें हुई हैं, बहुत बारिशें हुई हैं, घास भी बहुत ज़्यादा घास है, माशाल्लाह दुम्बे सब खुश हैं। फिर ये हम सारा साल दुम्बे जो है ना, दुम्बे और बकरियां सारा साल हम पालते हैं, फिर इसको ईद के मौके पर फिर बेचते हैं, बाज़ार ले जाते हैं, फिर इसके जो पैसे होते हैं वो हमारे घर का अखराज चलाते हैं। स्कूल है एक और पीछे, एक स्कूल आगे नहीं है, स्कूल इधर पहाड़ों में नहीं है, इधर स्कूल बच्चे नहीं पढ़ते, सारे बस ये दुम्बे शुम्बे चुका दिए बस।